السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. أبين الناس فوضاه बड़ा होगा तो फल देगा. अभी नन्ना सा पौधा है बड़ा होगा तो फल देगा. मेरी कौम का हर बच्चा जमाने का रुख बदल देगा इंशाअल्लाह. मोहतरम और मुअज्जज हजरत मौलाना शम्सुल हक साहब मदरसा दावतुल इस्लाम पाकीज़ा मस्जिद के जिम्मेदारान हजरात और यहाँ पढ़ाने वाले उलमाए किराम और इस मजलिस में तशरीफ फरमा उलमाए किराम और इस मजलिस में खुसूसी तौर पर जो आए हुए हैं बच्चों के वाली हजरात, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने, इससे पहले मैं एक बात ये जिक्र कर दूँ, वैसे मौलाना का तफसीली बयान हो चुका है, मैं बस दो चार बातें आपके सामने जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह. इसलिए कि अक्सर ऐसा होता है कि जिसका नंबर सबसे अखीर में आता है उसने जहन में जो मौजू रखा है, जो बात उसे पेश करनी है, अगले मुकर्ररीन उसको बयान कर चुके होते हैं, तो बाद में आने वाले को एक परेशानी भी होती है कि वो क्या आपके सामने बयान करे. लिहाजा इस हिसाब से भी मैं अपने आप को खाली महसूस कर रहा हूँ. अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह जहन में जो बात डालेंगे इंशाल्लाह जिक्र करेंगे. देखिए मोहतरम और मुअज्जज हाजिरीन मजलिस, ये मकतब जो है, मकतब जिसको हम और आप रोजाना की जबान में मदरसा कहते हैं, ये बहुत बड़ी और बहुत कीमती दौलत है. बहुत कीमती दौलत है हमारे लिए, बहुत कीमती सरमाया है. इसलिए कि देखिए कुरान से डायरेक्ट रब्त और कुरान से सीधे जोड़ने का अगर कोई काम हमारे बच्चों के लिए कोई कर रहा है तो वो ये मदरसे और ये मकतब कर रहे हैं. आप अपने बच्चों की तालीम को उठाकर देख लीजिए कि बच्चों को जो कुरान सही पढ़ना, बच्चों को जो दुआएं हैं, बच्चों को जो हदीसें याद है, सीरत के बारे में जो मालूमात है, यहाँ खड़े हुए बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किए माशाल्लाह बड़े जबरदस्त प्रोग्राम थे और जिन जिन चीजों को उन्होंने याद किया है, मैं ये समझता हूँ कि शायद यहाँ बैठे हुए बहुत सारे अहबाब हमारे जो बड़ी उम्र के हैं, इन चीजों को शायद उनके जहन में और उनको शायद याद नहीं होगी जो हमारे मासूम बच्चों ने याद किया है. हमारे मदरसे में एक किताब पढ़ाई जाती है, नफहतुल अरब उस किताब का नाम है. उस किताब में एक जुमला बड़ा प्यारा लिखा हुआ है कि ये बच्चों के दिलों की तख्तिया है, लिअन्ना अलवाह कुलूबिहिम कद साफिया, बच्चों के दिलों की तख्तियां बहुत साफ होती है, इस पर जो लिख दिया जाता है वो नक्श हो जाता है. आज अगर ये मकतब में पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, दुआओं को याद कर रहे हैं, बड़े होकर भी इनको ये दुआएं महफूज रहेगी. इसलिए होता यह है कि हम भी बड़ी उम्र में हैं और हम भी जो दुआएं याद करते हैं आजकल, तो कुछ दिनों बाद वो दुआएं भूल जाते हैं, लेकिन हमें वो दुआएं बहुत पक्की याद है जो हमारे बचपन में हमारे उस्ताद ने, हमारे मौलाना ने हमें याद करवाई थी. वो दुआएं बड़ी असर याद है. ये दरअसल मेहनत, कुर्बानी और अल्लाह की तरफ से मदद होती है मकतब की तालीम के एतबार से. लिहाजा आप तमाम वालियों के लिए, इस मोहल्ले वालों के लिए, यहाँ का ये जो मकतब है ये बहुत बड़ी और बहुत कीमती दौलत है. देखिए मैं एक बात जिक्र करूँ, कहते भी डर लगता है लेकिन ये हकीकत है, हम जब भी
हदीसें बयान करते हैं, हम जब भी माँ बाप के हुकूक की बात करते हैं, हम जब भी इंसानों में हुकूक की बात करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं माँ बाप के हक है। माँ के पैरों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रखा है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हदीस के वाकये को हम बयान करते हैं और हम हदीस की बातों को बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाप मारता भी है तो वो ऐसी मार है कि गोया खेती के अंदर पानी की जो जरूरत होती है उसका वो काम करती है। लेकिन हुजूर ने दोनों रुख हमें समझाए हैं, जहाँ माँ बाप के हुकूक होते हैं वहीं पर इन नन्हे नन्हे फूल और ये जो बच्चे हैं, ये जो औलाद है, इनके भी हुकूक हुजूर ने बयान फरमाए। मैं एक वाक्य से आपको बात समझाऊं कि कैसे हुजूर ने हुकूक बयान फरमाए हैं, कैसी रियायतें बच्चों की खातिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं नमाज की नीयत बांध कर खड़ा होता हूँ, मैं नमाज की नीयत बांध कर खड़ा होता हूँ, मैं नमाज पढ़ा रहा होता हूँ और ऐसे में किसी बच्चे के रोने की आवाज आई होती है, उसकी माँ भी मेरे पीछे नमाज पढ़ रही होती है, मैं उसके बच्चे के रोने के ऊपर अपनी नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ, अपनी नमाज को छोटी कर देता हूँ। मुहद्दिसीन ने इस हदीस पर बहुत जबरदस्त कलाम किया है, बहुत जबरदस्त बातें इससे अख्ज़ की है और इससे निकाली है। जो मेन बात समझाई है वो ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने खड़े हैं, नमाज जैसे अहम रुकन में खड़े, उस नमाज को मुख्तसर किया गया है बच्चों के लिए। इससे ये बात समझाई कि बच्चों के हुकूक शरीयत इस्लाम के अंदर बहुत जबरदस्त है। मैं बहुत दिल के दर्द के साथ जिक्र करूंगा कि आज हम माँ बाप ने बच्चों के साथ दो, यानी यूं समझ लिए बहुत एक जुल्म ये किया है कि माँ और बाप गुजराती जबान में सबसे पहले सिखाया जाता है क, कक्का जिसको बोलते हैं, ये दो कक्के घोटने के अंदर हम लगे हुए हैं। बाप कमाने का कक्का घोट रहा है और माँ काम का कक्का घोट रही है। बाप को कहो बच्चों के लिए वक्त, सुबह आता है रात तक, सुबह चला जाता है और रात तक फुर्सत नहीं है न बच्चों की तालीम के मुतालिक कभी पूछने की। बाज़े मरतबा तो बाज़ वालियों से मुलाकात होती है, उनको ये नहीं पता होता है कि हमारा बच्चा कौन से मौली साहब के पास पढ़ रहा है। तो यहाँ मदरसे में दो तीन मौलाना पढ़ाते हैं लेकिन मेरे बच्चे के उस्ताद को नहीं मालूम। तो फिर बच्चा पढ़ क्या रहा है, नूरानी कायदा पढ़ रहा है या पारे हम पढ़ रहा है या फिर वो कुरान शरीफ में आ गया है, कितने पारे हो गए हैं, कोई तवज्जो नहीं होती। मिजाइया बात लिखी है किसी ने, किसी को पूछा आपके कितने बच्चे हैं, कहा तीन बच्चे हैं। कहा वो कितने बड़े हैं, कहा एक इतना है, एक इतना है और एक इतना है। सामने वाले को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आम तौर पर बच्चों के बारे में पूछा जावे कितने हैं, कितने बड़े हैं, या तो उम्र बताई जाती है कि भाई 5 साल का है, 7 साल का है, 9 साल का है, या फिर ऐसे साइज बताई जाती है। आप ऐसे क्यों बता रहे हैं कितना है, कितना है और कितना बड़ा है। कहा देखिए इसमें बात दरअसल ये है, मैं सुबह जब काम के लिए निकलता हूँ तो बच्चे बिस्तर पर सोए हुए होते हैं और जब रात को काम से वापस आता हूँ तो भी बच्चे सोए हुए मिलते हैं, तो कभी खड़े हुए नजर ही नहीं आए, जब भी मिले कभी इतने और कभी इतने ही नजर आए। ये हकीकत है, हकीकी बात मैं जिक्र कर रहा हूँ। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों के लिए वक्त निकालें, उनको टाइम दें। मैं तो अक्सर अपने साथियों से और अक्सर किसी ऐसे मौके पर जाना होता है तो मैं एक बात जिक्र करता हूँ, इस दौर में अगर किसी ने आपको अपना वक्त दे दिया, टाइम दे दिया, उसने बहुत बड़ी दौलत दे दी आपको, बहुत कीमती जो नेमत है। हकीकत में वक्त बहुत बड़ी और बहुत कीमती नेमत है। जो हमारे बच्चों ने मोबाइल पर जो मुकालिमा पेश किया और इसकी खराबियों पर जो बातें जिक्र की है कि ये वक्त बर्बाद और तबाह करता है, हकीकत में वक्त बहुत कीमती दौलत है। लिहाजा अपने बच्चों को वक्त दें,
उनसे बातें करें, उनके सवालों के जवाब दें। वरना होता यह है कि बाप कारखाने से अपनी फैक्ट्री से अपने काम से वापस आता है और एकदम होता है कंटा लेला। हकी की बात करो, वो बच्चा अगर कुछ पूछता भी है, अच्छा वो मकतब के इम्तिहान भी अगर हुए तो बच्चा रिजल्ट भी लेके आता, अरे बेटा रख अभी अभी देख थक गया, अच्छा पानी लेके अम्मी के ऊपर खाना लगा। ये बच्चों के साथ जुल्म होगा, उनमें दिलचस्पी ले। देखिए, मार से, डांटने से, गुस्सा करने से देर पा और लंबा इलाज नहीं होता है। जितना लंबा इलाज, यानी आप अपने बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं, उनको अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, उनके साथ मोहब्बत करके ही होगा। ये आप बात लिख लीजिए। हदीस पाक में आता है हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु, जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास, 10 साल तक खिदमत की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फरमाते हैं मैंने 10 साल खिदमत की है प्यारे आका की। उस 10 साल के अंदर बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है किसी काम के लिए मुझे भेजा, मैं था बच्चा, मैं कहीं खेल कूद में लग गया, किसी काम के अंदर लग गया, कोई चीज के अंदर मशगूल हो गया। इस 10 साल के अंदर कभी मुझे मारा नहीं, कभी मुझे डांटा नहीं, बहुत प्यार से मुझे समझाया। इसलिए सिर्फ मारना ही इलाज नहीं है, इनके पीछे ध्यान देना, इनके पीछे तवज्जो करना, इनको वक्त देना, ये बहुत बड़ी नेमत है। देखिये, बास मरतबा हमारे लिए खुशी क्या होती है, हमारे लिए खुशी पैसा मिल जावे, औरतों को अच्छा कपड़ा मिल जावे, जेवर मिल जावे, चप्पल और जूते मिल जावे, शादी की शॉपिंग अच्छे से जम के हो जावे, तो ये हमारी खुशियां। बच्चों को इनमें दिलचस्पी नहीं होती है, बच्चों को दिलचस्पी होती है हम अगर कोई छोटी से छोटी बात, आज मदरसे के अंदर मौली साहब ने कब्र पर मिट्टी डालने की दुआ हमें याद करवाई है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तो बच्चा लेके आता है मदरसे से बैग लेके आता है, पापा मेरी दुआ सुन लो पहले, आज मुझे याद है। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशी का बायस होगा कि आप इसकी बात को ध्यान और तवज्जो से सुन रहे। मैं एक वाक्य अक्सर जहां भी मकतब का जलसा होता है वहां सुनाता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का ये वाक्य है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास एक बाप आया और उसने अपने बेटे की शिकायत, मैं इस पर जिक्र कर रहा हूँ कि माँ बाप के हुकूक शायद ही कोई जलसा खाली होगा जिसमें हमने सुने होंगे, लेकिन औलाद के भी हुकूक होते हैं, उनकी जिम्मेदारी। अब देखिए ना, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से लेकर उसकी शादी तक के हुकूक समझाए हैं कि अगर वो पैदा होता है उसके कान में अजान देना, इकामत कहना, ये उसका हक बनता है, उसका अकीका करना उसका हक बनता है, उसका अच्छा नाम रखना उसका हक बनता है, उसके लिए तरबियत और तालीम का इंतजाम करना उसके लिए हक बनता है। ये तमाम हुकूक हुजूर ने बच्चों के लिए बयान फरमाए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के मुताबिक लिखा है कि एक बाप आया और शिकायत की, मेरा बेटा मेरी मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। कहा क्या हुआ? मैं कुछ भी कहता हूँ नहीं मानता। हजरत उमर का कौड़ा, उनकी जो लाठी थी, उनका जो आसा, वो बड़ा मशहूर था, अच्छे अच्छे उसके सामने पिघल जाते थे। मंगवाया वो बेटे ने एक सवाल किया अमीरुल मोमिनीन, क्या सिर्फ माँ बाप के ही हक है औलाद पर, क्या औलाद के कुछ हक नहीं है माँ बाप के ऊपर? 3 हक है जो हर बाप के जिम्मे बनते हैं, अगर नहीं अदा करेगा तो वो बाप गुनहगार होगा। कहा क्या हुकूक है? कहा पहला हक तो ये है कि उसका नाम अच्छा रखे। नाम, आज नामों के सिलसिले में कैसी कोताही, यानी मौलाना ऐसा नाम चाहिए आज तक किसी ने नहीं रखा हो, कुरान में भी मौजूद हो, और ऐसा जबरदस्त नाम होना चाहिए और शॉर्ट भी होना चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए। कहां से लाए ऐसे नाम? हदीस पाक में आता है, प्यारा खान ने फरमाया अल्लाह को 2 नाम बहुत पसंद है, अब्दुल्ला और अब्दुलरहमान। या हुजूर ने फरमाया वो नाम रखो जो नबियों के नाम है, उन नामों में बरकत होगी, लेकिन अगर नबियों वाले नाम दे दोगे तो बहुत बुढ़े जैसा है, जूना नाम है। हालांकि इन नामों में जो बरकत अल्लाह ने रखी है वो बड़ी जबरदस्त है। तो पहला हक औलाद का, इसलिए आप देखिए नाम एक ऐसी चीज है औलाद की, उसको अच्छा खिला दो, अच्छा पहना दो,
दुनिया से करोड़पति नहीं अब्जोपति उसको छोड़ के जाओ, ये सब कुछ भी काम नहीं आएगा। एक नाम जो आज तुमने रखा है, जन्नत में जाने तक भी उसी नाम से उसको पुकारा जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा गिफ्ट और तोहफा अपनी औलाद को अगर तुम देकर जा रहे हो तो उसका अच्छा नाम रखना है, पहला हक। दूसरा हक बड़ा जबरदस्त हक है, कहा कि उसके लिए उसकी माँ का इंतखाब ऐसा करे, यानी ऐसी जगह पर निकाह करे कि माँ नेक हो, दीनदार हो और अखलाक वाली हो। यानी आप तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए, औलाद की तरबियत की फिक्र उस वक्त की जा रही है जबकि निकाह भी नहीं हुआ है, इसलिए कि उसकी तरबियत के पीछे अगर मुकम्मल अगर कोई है तो वो माँ हुआ करती है। बहुत ज्यादा अगर किसी का हाथ है तो वो माँ है। मदरसों में किताब पढ़ाई जाती है, उस किताब के पढ़ने के बाद बच्चे आलिम बनते हैं, उलमा बनते हैं, और उस किताब का नाम है बुखारी शरीफ। अक्सर उन्होंने सुना होगा बुखारी शरीफ, और इस इलाके में तो ज्यादा ही सुना होगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है, 10 साल की ये जब पैदा जब हुए थे इमाम बुखारी तो नाबीना थे, आंखें नहीं थी इमाम बुखारी की। जो दुआएं की है माँ ने, जो दुआएं की है माँ ने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गालिबन ख्वाब में आए और फरमाया, जाओ अल्लाह ने आपके बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल को आंखों की रोशनी अता कर दी। माँ जैसे ही गई है और देख रही है तो हजरत इमाम बुखारी को अल्लाह ने आंखें अता फरमा दी। ये माँ की दुआओं का असर है। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग और अल्लाह वाले गुजरे जिनकी तरबियत और जिनको बनाने के पीछे अगर कोई है तो वो माएं हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी आप उठाकर देखें, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, अरे हमारे हिंदुस्तान के वली कामिल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को उठाकर देखे, कैसा काम लिया अल्लाह ने हजरत ख्वाजा साहब से, कैसा काम लिया है, इतना जबरदस्त काम लिया है कि हजरत ख्वाजा साहब के हाथ पर हजारों की तादाद में लोग मुसलमान हुए, बहुत सारे मजहब इस्लाम छोड़ चुके थे, लाखों की तादाद में उन लोगों ने वापस इस्लाम पर बैत की। एक दिन मुस्कुरा रहे थे, अपनी वालदा के पास बैठे मुस्कुरा, कहा कि बेटा मोइनुद्दीन क्या बात है बहुत मुस्कुरा रहे हो। कहा कि अम्मी बात दरअसल ये, अल्लाह ने हिंदुस्तान में मुझसे बहुत जबरदस्त काम लिया है, हजारों की तादाद में लोग मुसलमान हुए हैं। माँ का जवाब था, बेटा मोइनुद्दीन ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है। कभी भी बचपन में बगैर वजू के मैंने दूध नहीं पिलाया। देखिए आजकल मोबाइल का जमाना है, टीवी का जमाना है, प्लेयर का जमाना है, इन सब चीजों का जमाना है। बच्चे जब दूध पीने की उम्र में होते हैं तो मैं माओ से गुजारिश करता हूँ कि वो बिस्मिल्लाह पढ़कर सर पर दुपट्टा लेकर अल्लाह के नाम से किबला रुख होकर पिलाए। आज हाल ये है टीवी देखती जा रही है, मोबाइल देखती जा रही है, क्या असरात मुंतकिल होंगे। हमें क्या लगता है बच्चा जब दूध पी रहा होता है छोटा है तो वो समझता नहीं है, उसमें कुछ असरात नहीं जा रहे हैं। अरे बिल्कुल जा रहे हैं। हदीसे पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटा बच्चा अगर बेड पर हो, माँ बाप को मना फरमाया कि उसके सामने तुम मुलाकात भी मत करो। एक रिसर्च में एक बात लिखी है, बल्कि हम भी अपने घरों में देखें, एक छोटा सा बच्चा है 3 महीने का होगा, क्या खबर पड़ती होगी, क्या उसको पहचान होती होगी। वो दादा के पास है, रो रहा है, चाचा भी ले गए, लाओ मेरे भतीजे को मैं ले जाता हूँ, रो रहा है। अब्बा भी बाहर गाड़ी पे फिरा दिया, फिर भी उसको रोना बंद नहीं होता। जैसी इसके अम्मी दावत में चाहे, उसने खाली एक सर पर उसको रखा, वो बच्चा चुप। 3 महीने का है, कैसे उसको मालूम हुआ। अल्लाह ने ऐसी स्मेल और ऐसा कॉन्टेक्ट रखा है जिसके जरिए से बच्चा फौरन पहचान जाता है कि यही मेरी माँ है। जब इन चीजों की पहचान है तो क्या बच्चा जब इन तमाम चीजों को ले रहा होता है क्या वो सब चीजें मुंतकिल नहीं होती। बिल्कुल होती है। लिहाजा दूसरी बात यह है कि माँ का इंतखाब अच्छा करे। तीसरी बात जो सबसे अहम बात है वो ये है कि उसको दीन की तालीम देवे, उसको कुरान सिखावे।
हजरत उमर रजी अल्लाह अनु के सामने जब ये हजरत उमर ने जब तीनों बातें जिक्र की तो वो बेटा बोल पड़ा, अमीरुल मोमिनीन, न मेरा नाम अच्छा रखा है न मेरे लिए माँ का इंतखाब अच्छा, आज तक मुझे नहीं बताया कि कुरान कैसा होता है। वही कोड़ा उठाया हजरत उमर ने और बाप को मारने के लिए कि दरअसल जालिम कसूर तेरा है कि तुमने अपने बच्चे की तालीम तरबियत और उसको आखिरत के लिए बेहतर बनाने की फिक्र और कोशिश नहीं की। ये मकातिब जो हमारे हैं हजरत मौलाना यूसुफ साहब बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, उन्होंने एक बात लिखी है, मकतब में पढ़ना ये फर्ज़े ऐन है, दारुल उलूम और बड़े मदरसों में जाना हाफिज और आलिम बनना ये फर्ज़े किफाया है। कुछ लोग बन जाएंगे वो मोहल्ला संभाल लेंगे, लेकिन ये इल्म हर घर के बच्चे को पढ़ाना जरूरी है, इसलिए कि ये बेसिक और जरूरी इल्म है। हर घर में ऐसा बच्चा होना चाहिए, अगर मेरे वालिद का इंतकाल, मेरे दादा का इंतकाल हुआ तो मैं जनाजे की नमाज में खुद पढ़ाऊंगा। हमने मकतब में सीख ली है, हमें मौलवी साहब ने बता दी है और मैं खुद इसकी नमाज जनाजे मेरे दादा की पढ़ाऊंगा, मेरे अब्बू की पढ़ाऊंगा, मेरे फैमिली का कोई फर्ज। जब वो पढ़ाएगा तो वो पढ़ा नहीं रहा होगा, वो अल्लाह से मांग रहा होगा, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना, अल्लाह बख्श दीजिए ना मेरे 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 घर के फैमिली, अल्लाह इनको माफ कर दीजिए। तो ये बात होती है मकतब के अंदर। लिहाजा आपकी खिदमत में ये गुजारिश है, इन मदरसों के अंदर इनकी कदर कीजिए, इनको अजमत की निगाहों से देखिए, इनके असातिज़ा के साथ आप रब्त रखिए और इनकी कुर्बानियों को, इनकी मेहनतों को आप सराए गाहे गाहे इनकी मुलाकातें कीजिए, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए आखिरी कौन सा वक्त था जब आपने अपने बच्चे के उस्ताद की मुलाकात की थी। मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा होता क्या है। बहुत फैक्ट और सही बात बताता हूँ, मेरी फैमिली में, मेरे पड़ोस में, मेरे रिश्तेदार में अगर किसी का कुरान खत्म हुआ तो फौरन उसका रिएक्शन जाएगा, फिर तू कितने साल से पढ़ता अभी तेरा पूरा नहीं हुआ, तो अंदर किचन में से आवाज आएगी, पर तुम ध्यान ही कहाँ देते हो, खबर तो पड़ती नहीं है तुम्हारा बच्चा क्या पढ़ता है नहीं। दूसरे दिन मौलवी साहब के पास शिकायत लेके, मौलाना इसका कुरान पूरा नहीं हो रहा है, मौलाना रजिस्टर दिखाते आपके बच्चे की गैरहाजिरी देखिए कितनी है, मुकम्मल हाजिरी नहीं होगी मदरसे के अंदर तो आगे बढ़ेगा कैसे। पाबंदी की फिक्र कीजिए, बच्चा एक दिन मदरसे से गैर हाजिर रहता है उसके पीछे की जो रूहानियत होती है, नूरानियत होती है, वो खत्म हो जाती है। लिहाजा आप तमाम अहबाब की खिदमत में ये गुजारिश है, अल्लाह ने आपको ये कीमती हीरे अता फरमाए, बहुत कीमती। देखिए अल्लाह ने इन औलादों को कुरान में ये नहीं फरमाया युअती लिमन यशाउ इनासा व युअती लिमन यशाउ ज़ुकूर, ये नहीं कहा अल्लाह ने कुरान में कि अल्लाह जिसे चाहता है देता है, ये नहीं कहा। यह फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, अल्लाह जिसे चाहता है औलाद गिफ्ट में देता है और अल्लाह जिसे चाहता है लड़कियां गिफ्ट में देता है और अल्लाह जिसे चाहता है लड़के गिफ्ट में देता है। और एक बात ध्यान रखे, हम गिफ्ट और तोहफा किसको देते हैं। अभी देखिए कितने इनामात के ऐलान हुए कि फुला बच्चे को इतने रुपए, फुला को इतने रुपए, भाई क्यों दिया, भाई मैं इससे बहुत खुश हूँ, इसने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया। गिफ्ट उसको देते हैं जिससे हम खुश होते हैं, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने हमें ये औलाद अता फरमाई है, अल्लाह गोया हमसे राजी है, लेकिन उस वक्त जब हम इनकी तरबियत और इनकी तालीम की फिक्र करेंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारे इन बैठने को कबूल फरमाए। मैं अपने मकतब के बच्चों से एक बात आखिर की जिक्र करके मुकम्मल करूं, असर से बैठे हैं आप लोग, आपकी बड़ी कुर्बानियां हैं मदरसे के अंदर, पाबंदी के साथ आते हैं आप लोग, आते हैं किसका किसका कुरान मुकम्मल हो गया है माशाल्लाह, लड़कियों में अच्छा माशाल्लाह, उस्ताद की क्या कहना मानते हैं कि नहीं मानते, मानते घर पे माँ बाप की फरमा बरदारी नहीं, माँ बाप अगर कहते हैं ये करो तो मोबाइल से फुर्सत नहीं है हमें, है ना मोबाइल में, अरे अम्मी जाने अभी आता हूँ मैं करता हूँ बाद में, हाँ कैसी ऐसी आई, ये हकीकत है हमारी। देखो एक आखिरी किस्सा सुना के बात को हम मुकम्मल करते, माँ बाप की फरमा बरदारी, अगर हम माँ बाप का कहना मानेंगे अल्लाह हमें इस दुनिया में भी नवाजेंगे और आखिरत में भी नवाजेंगे। एक मतलब एक बादशाह था, कौन था,
आप लोग बोलेंगे, आप लोग कौन था? उसकी एक लड़की थी, वो एकदम चुपचाप हो गई, वो ना हंसे ना बोले ना किसी से बात करे। एक दिन क्या हुआ, बादशाह ने शहर में इनाम रखा। क्या रखा? कहा मेरी बेटी को जो हंसा देगा उसको इतने लाख रुपए का इनाम। सौ बातें, कोई मजाक कर रहा है, कोई समझा रहा है, कोई नहीं है। एक दिन क्या हुआ कि एक लड़का वहां से गुजरा और उसके हाथ के अंदर सब्जी थी, सब्जी खाते ना, तो सब्जी थी, वो लेके जा रहा था। दूसरी कुछ सब्जियां थी, वो जमीन पर घसीटते घसीटते ले जा रहा था। वो घर पे पहुंचा तो अम्मी ने कहा कि बेटा ऐसे थोड़ी लेके आते, काम भी कैसे। अच्छा वो थोड़ा सा है ने, थोड़ी सी उसकी पावली किसके लिए, दिमाग थोड़ा सा उसका कम था सेज, तो कहा अम्मी कैसे लाते। तो कहा कोई भी चीज हो तो हम थैली में लेके आते हैं। काम यहाँ बस, अब आपने कह दिया ना, तो कल से थैली में। दूसरे दिन अम्मी ने बोला जा बेटा दूध लेके आओ। क्या लेके आओ? वो दूध लेने गया और घर में कपड़े की थैली थी, कपड़े की थैली में दूध आता है, तो लेके आ गया। तो दूध सारा के सारा क्या हुआ, नीचे घर पे आया। अम्मी ने थैली खोली, कहा कि दूध, कहा कि वो तो अंदर रखा था है। तो कहा वो बेटा इस तरह नहीं रखते, उसको तो किसी बर्तन में लेके आते। कहा कि अम्मी अब कोई भी चीज आप बोले बर्तन में जलाऊंगा। तीसरे दिन अम्मी ने कहा कि बाजार से जरा गोश्त लेकर आ जाओ। क्या लाओ? गोश्त लेकर आ जाओ। तो वो गोश्त लेने गया, मुर्गी लेने गया, घर से तपेली ली और उसको लिया और हाथ में लेकर ऐसे आ रहा है। तो क्या होगा, कुत्ते चील कौवे वो सब गोश्त उड़ा के ले गए। घर पहुंचा तो पूरा जो तबेला था वो खाली, बर्तन जो था वो खाली। कहा कि क्या हुआ? सर पकड़ लिया माने, बेटा तेरा क्या होगा, अरे हर चीज का अलग अलग इंतजाम होता है, हर चीज की अलग अलग हिफाजत होती है, हर चीज को अलग अलग हिफाजत से लाया जाता है, उसको बहुत अदब और एहतराम और उसके जैसे ख्याल रखे जाते हैं। काम भी ठीक है। तो क्या हुआ, एक दिन उनके घर में कुछ काम की जरूरत पड़ी। कहा कि जाओ एक गधा है ना, गधेड़ा वो लेके आओ बेटा। तो वो क्या करता है मालूम है, गधेड़े को लिया और कंधे पे बिठा लिया और वो लेके आ रहा है। अब यहाँ पर बादशाह का महल रस्ते में पड़ रहा है। वो उसकी लड़की चुपचाप हो गई थी, हंसती नहीं थी, गुमसुम हो गई थी, लेकिन उसने जैसे ये मंजर देखा वो बिल्कुल खिलखिला के हंसने लगी। बादशाह पागल हो गया, मेरी बेटी आज मुस्कुराई है, भाई क्या ऐसा तो वाकया हुआ। कहा कि वो जो लड़का जा रहा है इस तरीके की हरकत कर रहा, उसको देखकर हंसी है। कहा उसको बुलाओ और उसको हजारों और लाखों रुपए का उसको इनाम दिया। अब इसका मेन सबब कौन बना है इसके ये हंसाने का, ये लड़का बना, लेकिन लड़के को ये सूझी कैसे? दरअसल माँ की बात मानना, चाहे वो दिमाग से थोड़ा कमजोर था लेकिन माँ जैसा बोलती थी वैसा किया, तो वो नतीजा हुआ उसके इनाम के मिलने का। ठीक है, हमें क्या करना है, क्या सबक मिलता है इस वाक्य से, हमें क्या सबक मिलता है, हमें भी अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करनी है। करेंगे इंशाल्लाह, मकसद की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह, कोई भी छुट्टी नहीं रखेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।